योगी को अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होना चाहिए आज मैं अगर विचलित हो गया होता पैसे के कारण तो जो आप लोगों को साधना सिखाता हूँ हालांकि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया हाँ साधना करेंगे घर में जा के होगा मैंने एक दो साधकों पर किया जो घर में जा के अगर वो परिश्रम करेंगे तो हो जाएगा क्योंकि हम शायद मिलेंगे ही नहीं भविष्य में और बार बार मिलना ज़रूरी होता है एक बार से सब कुछ नहीं हो जाता है तो कहने का तो फिर आज मैं यहाँ पर नहीं होता क्यों कि अगर मैं पैसे के लालच में होता सुख सुविधाओं के लालच में होता तो फिर हमें अपने सिद्धांत से समझौता करना पड़ता तो मैं परेशानी उठा लेता हूँ लेकिन सत्य का अनुसरण करता रहता हूँ सिर्फ उतना ही हमें पैसे की ज़रूरत जितने में हमारा गुजारा होता रहे और मगर योगी पुरुष ऐसा नहीं वो कहीं से लाओ लाओ नहीं मिला तो मांग लिया शिष्य भी वही बनाते हैं उनका सम्मान मिलता है जिनके पास पैसे मैंने आंखों से देखा सुना नहीं कि अगर आपके पास पैसा तो आपको सम्मान मिलेगा आप आगे आ जाइए आगे बैठिए और जिस पर पैसे नहीं हैं पीछे बैठे उनका मौका ही उन्हें बात करने का नहीं है मैंने कई जगह देखा एक जगह नहीं कई जगह देखा मैं इधर उधर घूमा हूँ नाइन्टी में और मैं एक बतौर नए साधक के मैं मतलब ऐसा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं जबकि मेरी दीवीदिश थी उसमें बहुत तेज काम करती थी मैं जानूँगा कैसे संसार को मैंने खोज किया इधर उधर पहाड़ों से लेके और अपना इसी समाज में कुछ साल मतलब कुछ समय घूमा तब मैंने जाना यही निर्णय किया नहीं मैं ऐसे ही रहूँगा मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ तो बात सत्य की हो रही थी नहीं तो बातें होती रहेंगी तो सत्य का अनुसरण करना ही श्रेष्ठ होता है जिसने सत्य का अनुसरण कर लिया उसे जल्दी ही ईश्वर या अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है आ, असत्य के कारण ही हमारे अंदर इतनी गंदगी अंतकरण में चढ़ी होती है असत्य पर ही मैं विश्वास मतलब सभी विश्वास करते रहते हैं उसी में जीते और मरते रहते हैं इसीलिए कष्ट की अनुभूति करते हैं जिन्होंने सत्य का अनुसरण किया वो इस संसार से धीरे 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 होकर के अंतर्मुखी होकर के यानी आंतरिक विकास करके या दूसरे शब्दों में ऊर्ज होकर के ईश्वर की प्राप्ति की ओर चले गए तो मैं तो यही कहूँगा कि सत्य का अनुसरण करो सत्य ही श्रेष्ठ है जितना सत्य का अनुसरण करोगे उतना ही जो मुंह से आवाज निकलती है सत्य हो जाती है संकल्प सत्य हो जाता है आ, एक बार हरियाणा में मैं शिविर लिया था तो एक साधक भाई साधक भी तो पढ़े लिखे होते हैं बस उसने कहा अंतिम समय जब शिविर खत्म होने वाला था कुछ समय रह गया कि गुरु जी एक बात कहूँ हाँ आपका संकल्प बहुत तेज है मैंने सोचा मैंने कहा आपको कैसे पता आप दूर से बैठे मैंने किसी को मैंने ऐसा कुछ दिखाया था हाँ होता है तो संकल्प जितना सत्य का अनुसरण होगा संकल्प उतना ही तेज गति से काम करेगा और यही आ, सत्य ही सारे कार्यों में सफलता का कारण बनता है किसी भी प्रकार की सफलता हो चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक जो सत्य का अनुसरण करता है साफ जाहिर है कि आध्यात्मिक से जुड़ा होगा भौतिक से जुड़ेगा तो फिर वो अधर्म का भी अनुसरण सत्य का भी अनुसरण करेगा तो सत्य के विषय में क्या कहें यानी सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए खूब मैं समझाऊं, खूब करूं, लेकिन लोग नहीं करते हैं कुछ मजबूरी होती है और कुछ नहीं तो अगर सत्य का अनुसरण करोगे तो समाज से कष्ट भी मिलेगा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा तो संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति या मन बलवान कैसे हो सत्य के अनुसरण करने वाले को संकल्प शक्ति तीव्र गति से काम करती मन बलवान होता श्रेष्ठता को प्राप्त होता है जी नहीं तो बोलता ही रहूँ ठीक okay, है हाँ अभ्यास करिए कठोरता से जी हाँ आप जब घर जाएं अभ्यास करें तीन चार साधकों पर मैंने थोड़ा सा दबाव दिया है क्योंकि एकदम मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक मैं जान न लूँ जान ना लूं तब तक मैं स्वीकार नहीं करता मैं जो बोलता हूं स्पष्ट बोलता हूँ उनके जी. कर्मों का कौन जिम्मेदार होगा जो अपार भंडार भरे हुए वो कहाँ जाएंगे कौन भोगेगा मैं क्यों भोगूं मैं देखो स्पष्ट क्यों हम जानते भी नहीं कि आप कौन है थोड़ी देर के लिए मिले माने दो तीन चार दिन क्यों मिले और मैं जिम्मेदारी उठा लूँ क्यों उठा लूँ देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ स्पष्ट का मतलब सत्य और दूसरे हमें साधक को भी देखना है ये साधना करेगी कि नहीं मतलब करेगा या करेगी नहीं कि ये तो भविष्य निश्चय करेगा जब मैं देख लगा नहीं साधक के लायक है तो मुझे लगता फिर मैं बिना कहे ही काम कर देता हूँ ठीक है बहुत से ऐसे साधक हैं कि मैंने आगे की योग्यता दे दी घर गए उनके पास टाइम नहीं आगे नहीं गुरु जी टाइम नहीं था थोड़ा कम किया वगैरह वगैरह मेरे ही शिष्य हैं दूसरे के नहीं फिर पीछे किसक है मैं धक्का लगाता हूँ आगे जाओ वो पीछे को आ जाते हैं तो मैं तुरंत नहीं करता हूँ करना भी नहीं चाहिए ठीक है अब अभ्यास करें आप जी इसके बाद अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी थैंक्स फॉर watching. रिमेंबर टू लाइक comment एंड सब्सक्राइब